बाज लोग अगर हमारे घर आ जाए ना जी, वो नहीं समझ पाते कि ये मियाँ बीवी हैं, ये बच्चे हैं, बिल्कुल हमारे घर का माहौल फिक्रे चल रहे होते हैं, जुगत हो रही होती है, हंसी मजाक। जी जी, उफ व्हाट फन। मसलन मैं लास्ट बात आपको सुनाता हूँ, मुझे उसने सुबह कहा कि मुझे 30,000 रुपये चाहिए, बेगम ने। हाँ जी, तो मैं जब दोबारा गया हूँ, मैंने उसे उसको मैंने कहा गिनो कितने, उसने कहने जी 30 हैं। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड, अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से। अब खतरनाक लाइन बहुत खतरनाक। उसने आगे से मुझे कहा थैंक यू, वो अपने काम में लगे। उसको पता है कि भाई एक्टर है, इन्हें कोई ना कोई गल करनी है। तो बड़े पुराने, मैं तो 1950s तक जा सकता हूँ पीछे आपके साथ। जा सकते हो? में पैदा हाँ। नहीं तो मुझसे छोटे। मैंने कहा घबरा डरा दूं जरा थोड़ा सा कि इनको कहीं अपनी बर्थडे ना रिवील करनी पड़ जाए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपने उम्र से। ठीक है, I'm 1970। हाँ, तो हम अभी year 70। ओके, तुम बड़े ट्रबल टाइम में पैदा हुए। हाँ, but before that कहाँ? I was born in हवेलियाँ, एबटाबाद से पहले। अभी एक जहाज भी वहाँ पे गिरा है, इसलिए तो इट्स हमारा एक दोस्त भी वहाँ पे उस जहाज में थे। हवेलियाँ माई ग्रैंड लास्ट स्टेशन बिफोर द माउंटेन स्टार्ट हुआ एबटाबाद, वो ट्रेन वहाँ पे हवेलियाँ तक जाती है। माई ग्रैंड फादर वॉज स्टेशन मास्टर इन द रेलवेज, तो वो उन्होंने अपना बड़ा अपने फैमिली का असर रसूख मिला के इधर आए और बच्चा यहाँ पर पैदा होगा। तो फिर आई वॉज बॉर्न देयर इन दैट स्मॉल विलेज, नाउ इट्स नॉट अ विलेज एनी मोर, अबाउट 47 ईयर्स लेटर इट्स नॉट अ विलेज एनी मोर, बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। वहाँ मैं पैदा हुआ, फिर वहाँ से पेशावर चले गए और आई थिंक 72-73 में लाहौर आ गए। काफ़ी डोमेस्टिकेट। डिड यू प्ले एनी स्पोर्ट्स? या वेरी वेरी लिटिल आई थिंक, नो आई वॉज नॉट एन आउटडोर पर्सन। गिल्ली नहीं, पिट्ठू बॉल गरम और सारी चीज़ें गली मोहल्ले में वो उस अरसे में ही खेली, उसके बाद नहीं खेली, क्रिकेट नहीं खेला। स्कूल जाके जिंदगी बदल गई, स्कूल जाके मैंने आउटडोर्स नहीं किया। कौन से स्कूल? हालांकि मैं एचएसएन गया। अच्छा। और अब्बा की ख्वाहिश यही थी कि मैं राइडिंग भी करूँगा, मुझे एजमा था तो वो हॉर्स डंग से प्रॉब्लम था, पानी स्विमिंग मुझे पसंद था, बट समहाउ आई थिंक अभी तक मैं पानी के उस डीप एंड वाले फियर से नहीं निकल पाया। कहानियाँ कौन सुनाता था? माय एल्डेस्ट सिस्टर एंड माय खाला, सबसे बड़ी खाला कनीज खाला। कनीज खाला यूज्ड टू टेल अस सीक्वलाइज्ड स्टोरीज, वो खुद ही क्रिएट करती थी, तो वो उनके घर जाने की हमारी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट और वो सस्पेंस होता है कि उन्होंने कोई क्लिफ हैंगर छोड़ा होता था कि अब वो बंदरिया के सर में से कील निकलना था और उसने प्रिंसेस बनना था, तो वहाँ वो कहीं छोड़ देती थी कहानी। एंड देन यू नो हमारा वही होता था कि अब वो 2 वीक बाद या 3 वीक्स बाद जब हमने जाना है। तो माय खाला वाज वेरी गुड एट दैट एंड शी यूज्ड टू टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज। और बच्चों के साथ किस तरह गुफ्तगू होती है? सेम इसी तरह बच्चों के साथ, बच्चे भी ऐसे ही हैं। खाने की मेज पे क्या बातें करते हैं आप लोग? खाने की मेज़ में ज़्यादातर तो मसला होता है मेरे लिए सैलड का मसला है कि भाई मुझे सैलड साथ ज़रूरी चाहिए। अब वो बच्चे हैं वो बता रहे होते हैं कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, ये मैंने ये बनाया, सब मिलके बनाते हैं। ठीक है, बच्चे भी साथ। आप खाना बनाते हैं? जी मैं भी बना लेता हूँ। मेरे जो आपकी आपके जो दो सहबाब हैं, जो आपका एक है कुनबा आर्टिस्ट, वो तो सारे बड़ा ज़बरदस्त खाना खाते हैं। हाँ जी, आपके इर्द गिर्द जहाँ बहुत अच्छा अच्छा पकता है, बहुत अच्छे खाने पकाते हैं। मेरे करीब जो है मुझे एक नासिर चिनोटी साहब हैं और इधर राइट पे दोनों फरिश्ते मेरे रहते हैं, इधर नसीम विक्की साहब। अरे वाह, वो दोनों फरिश्ते मेरे करीब ही रहते हैं। तारक टैडी साहब मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा खाना जो मैं समझता हूँ ना वो तारक टैडी साहब के यहाँ से आता। एक संडे को चूँकि दो शो होते हैं, संडे को सबकी ख्वाहिश होती है भी तारक टैडी साहब खाना ले गए। ए देसी मुर्गा एक तो बहुत अच्छा उनके घर से आता है, शोरबे वाला। चावल भी उन्हीं के घर से अच्छे आएंगे। इनके घरों से करेले गोश्त अच्छे आते हैं, धनिया गोश्त अच्छा आता है। लेकिन अच्छा, मैंने धनिया गोश्त नहीं खाया कभी। ओह माय गॉड, आप ही अमानुल्लाह साहब के घर से मैं पकता है। बस आप करें ना इंतजाम, दावत का मैं आती हूँ। अच्छा फिर खाने की मेज़ पे नेक्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट यहाँ अगर अमानुल्लाह साहब बैठे हो तो साथ वो खाना भी डन है। बिल्कुल बैठे होंगे। नहीं बिल्कुल बैठे होंगे। हाँ बिल्कुल बैठे होंगे। एंड वी स्टेड हियर एवर सिंस इन गड़ी शाह। इन गड़ी शाह एंड पहले से पहले मोहम्मद नगर व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू गड़ी शाह। आप तो उस एरिया से काफी शरासा हैं,
आप कभी नहीं हैं उस एरिया में बर्ट इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द? Where did you live? I was born here. Which area? Lahore. Lahore ka, I think. Hey, pull gaya. Haan. Enna purana hai. Enna purana. Dekha hai, put you on the spot. Kya hota hai? Mujhe nahi yaad hai. I think Mia Mir ke paas. To Mia Mir, Mia Mir to wahi Mia Mir aur Gadi Shaw ke teen dur hai. और पैदा मैं हुई थी यू नो दैट हॉस्पिटल जो अंदरून शहर के पास है लेडी विलिंगटन हाँ आई थिंक जानकी देवी जानकी देवी में पैदा हुई इसीलिए अभी इतनी देवी बन गई बड़ी होके है ना तो मेरा फिर हम यहाँ से थे हम नहीं रहे यहाँ पर अच्छा माय नाना वाज इन ग्वालमंडी वो पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे मेरी मेरी नानी का घर निस्बत रोड पे तो यानी कि हम हमसाए रहे हैं हाँ। और हम वैसे भी जो है वो कश्मीरी बरादरी के हैं दोनों कहीं हो सकता है कि हम हाँ हमारी नानी डेफिनेटली सांझी होगी ये डेफिनेटली कभी उसको कहते हैं ना पंजाबी में फरोला नहीं तो फरोलेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाएगा मुझे लगता है मिलेगा क्योंकि आप और मैं देखेंगे खुश शक्ल भी है दोनों गोरे चिट्टे कश्मीरी बट टाइप के माहौल बाकी लोग हमसे बहुत जलते हैं मैं क्या करूं इसके बारे में कहते हैं जी खाते हैं हमें खाता हुआ नहीं देख सकते हम खा रहे होते कहते देखो जी बट खा रहे हैं बैठ के कितने अफसोस और कितना उम्दा खाना खाते कितना उम्दा खाते हैं कितना उम्दा पकाते हैं हम लोग अच्छा दिल है और दिल देखिए कितना खुला है खुला खुला और दुले दुले भी है तो मियां मीर वाज आल्सो क्लोज टू मियां मीर वाज बेसिकली द लास्ट पॉइंट बिफोर कंटोनमेंट स्टार्टेड और वो गड़ी शाह और मियां मीर बिल्कुल हम तो वॉक करके वहां जाते रहे ख्वाब देखते थे ख्वाब बचपन में कम देखता था बट आई थिंक नाउ माय स्लीप इज एक्चुअली वेरी ऑड वेरी एक्टिव लाइक माय ब्रेन बिकम्स रियली लाइक यू नो कुछ बहुत वायर्ड हो जाता है सोते हुए सो आई डोंट नो इफ देयर आर गुड ख्वाब्स बट देयर लाइक वो वाले ख्वाब हैं जिनमें कुछ कुछ जस्तजू और कश्मकश चलती रहती है लाइक कोई काम होता है जो उलटता पलटता कोई ऐसी चीज नहीं देखते थे जैसे recurrent which was telling you that you're going to go here where you are today no yeah actually you see मेरा तो बहुत ही कुछ steep किस्म के मैंने turns मारे so I was very sure कि मैं doctor बनूँगा और जब मैं छोटा होता था पता नहीं क्यों मैं बहुत ambitiously बोलता था कि मैं pilot बनूँगा मुझे जहाज उड़ाने का शौक था but now उस तरह से I'm not phobic but मुझे जहाज में या तंग जगहों से थोड़ा मतलब इट्स नॉट अ वेरी रिस्ट्रिक्टिंग फोबिया लेकिन है अच्छा फिर मुझे डॉक्टर बनने का बाकायदा शौक था और मैंने अपने ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स इसलिए नहीं किया कि मुझे डर था कि मेरा अगर एक भी बी आ गया तो मैं लाहौर में तो किसी मेडिकल स्कूल में नहीं जा सकूँगा इक्विवेलेंस इस तरह होती थी सो आई डिड माई एफ एस सी आई गॉट इन टू निश्ता मेडिकल कॉलेज मुल्तान बट देन समथिंग हैपन लाइक नाउ व्हेन आई रिकॉल एक दिन मुझसे किसी ने पूछा तो बोल के आई वाज लाइक ओके ऑफ कोर्स इट वाज 97 ओनली एंड इट वाज नॉट दैट लॉन्ग अगो ऑफ कोर्स 20 इयर्स फ्रॉम नाउ But I don't remember what happened. Like, I don't remember. Of course, my mother was not well, but she was not well for a long time. वो बहुत अरसे bedridden थी. तो वो कोई ऐसा वो नहीं था कि उस एन मौके पे कोई dramatic वाक्या हुआ हो कि मैं रुक गया हूँ. I think she did say something like, she said something to the effect कि बड़ा दूर है मुल्तान. And I was like, अच्छा, मम्मी चलें, फिर नहीं जाता. My dad also, I think, said something to the effect कि अच्छा मेरी ख्वाहिश थी कोई बच्चा बन जाता इस तरफ मेरे काम में भी आता था But before that, I did not aspire. I was not the kind of kid who ever went to a studio or TV stations. अम्मी के साथ रेडियो में जाता था अच्छा But that was also because I was a very रोंदू धोंदू बच्चा Like, मेरी अम्मी साड़ी पहनती थी मुझे याद है उनका जो साड़ी का पल्लू था वो मेरा मतलब मैं नहीं छोड़ता था And I also didn't like the fact कि मम्मी का पेट क्यों नजर आ रहा है तो I used to circle around her and cover it. Oh, I know. The boys are like that. Yeah. Although now when I look at someone wearing a sari with a blouse जो कि बहुत covered हो मैं कहता हूँ no that's not how it's supposed to be worn. मैं कहता हूँ ये साड़ी की बिल्कुल जाती है. साड़ी के साथ आपको मतलब एक तरीका है उसको पहनने का. मैंने कहा मैंने अपनी माँ को देखा. She was a tall Kashmiri woman so she looked very sort of beautiful in that. सो रेडियो गया हुआ हूँ बट मैं टीवी स्टेशन नहीं मैंने देखा हुआ था मैंने फिल्म स्टूडियोज नहीं देखे हुए थे कभी खाने के टेबल पे ऊपर सबसे पहले तो बात होगी भी पढ़ा क्या है सुबह से अच्छा पहले तो वो थोड़ी सी डिस्कस होती है भी क्या पढ़ा उसका क्या फ़ायदा हुआ किस किस को क्या फ़ायदा हुआ फिर उसके बाद खाने पर एक तो अलग सुबह पहली तो बात यही होती है भी दोपहर के खाने में क्या पकाना हाले तो नाश्ता भी नहीं किया पहले दोपहर के खाने बिल्कुल होती है पहली गल नाश्ता हुआ तो दोपहर का खाना भी उसी में शुरू हो गया बच्चों को मैं अक्सर स्कूल छोड़ता हूँ
और कहीं मुझे टाइम मिल जाए तो मैं स्कूल से लेता भी हूँ। हाँ नहीं सर, इतनी इंजॉयमेंट है ना, सुबह जो बच्चे बातें कर रहे होते हैं वो और होती है, और स्कूल के बाद जो होते हैं मूड भी और होता है, बातें भी और बातें भी होती हैं, और उसमें बड़े बड़े मजे की बातें होती हैं। मेरी जो छोटी बेटी है ना जी, वो तो कभी नहीं सीट पर बैठेंगी। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बड़ी बेटी आगे बैठती है, बेटा पीछे बैठता है, जो छोटी है ना जी वो मेरी सीट के पीछे खड़ी रहेंगी। अच्छा, उनसे पूछना किधर मुड़ना है, होना चाहिए ना भी लेफ्ट या राइट, इधर वाली बच्ची इधर वाला कान पकड़ के पापा राइट, उधर पापा लेफ्ट। अच्छा पीछे से फिर ये मेरी गालें उन्होंने नरम की कर दी। वो छोटी वाली जो है ना वो खींचती है बहुत, गालें बहुत खींचती हैं, वो पीछे खड़ी रहती है। और पूरा सफ़र इतना मज़ेदार होता है, मुझे मेरी सारे दिन की थकावट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई। मुझे आगे पता होता कि मैं अक्सर मैंने 100-100 घंटे भी काम किया जी, डे नाइट, उसमें ट्रैवलिंग भी की। लेकिन आप भी पता नहीं क्या इन बच्चों के अंदर कौन सी वो लेयर है, वो कौन सी गिद्दड़ सिंह शुआएं, गिद्दड़ सिंह है इनके अंदर के दरवाजे से अंदर घुसे ना जी, बिल्कुल आप 0 मीटर हो। बिल्कुल बेटियां खास तौर पे जो अल्लाह ने ये जो नेमत है, ओ माय गॉड। सबसे बड़ा बेटा? मैं एक ही बेटा बड़ा। हाँ, उसके बाद बहन, एक बहन बस। एक बहन कैसा था बचपन? बचपन अच्छा था, मजेदार था। क्या पहली मेमोरी क्या है, क्या क्या याद है? पहली मेमोरी मेरी जो है वो स्ट्रेंजली इनफ इज एट पेशावर रेलवे स्टेशन, व्हिच वाज माय ग्रैंडफादर्स लास्ट पोस्टिंग, और मैं तकरीबन साल का होगा, शायद 2-1.5 साल का होगा, मुझे अब इससे ज्यादा मुझे याद है। रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड और मेरे दादा ने अपने सारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे कुल्ली शुल्ली मेरे पीछे, ओए पढ़ो मुंडे नु कतरे ट्रेन ते सामने ना डिग पवे, एंड आई थिंक दैट्स द या दैट्स द वन, दैट्स द ओनली। यू वर अ हैप्पी चाइल्ड? आई वाज अ हैप्पी चाइल्ड, आई वाज अ हाइपर चाइल्ड, ऑल्दो लिव थ्रू हार्डशिप्स, डिडंट हैव इनफ मनी। उस जमाने में आपको पता है स्कूलों के प्रेशर होते हैं, अब जाते हैं तो अब भाई ने इतने अच्छे जॉगर्स पहने हुए जैसा कि, तो मैं भी अब्बा को जा कहूँगा मुझे भी ऐसे लेने हैं। उन्होंने कहा ना बेटा देख ला ले ला, मैं मतलब कि तनख्वाह आएगी पर पहली तारीख को, तो कितने के हैं? उन्होंने कहा इतने के हैं। अच्छा तो ये इतनी तनख्वाह है, इसमें से तुम जूते ले ले। तो फिर खुद ही शर्मिंदा हो जाते थे कि यार ये तो बाबे को तंग करने वाली बात है, चलो रहने दे फिर, ठीक है कोई नहीं, यू नो वी वर लाइक दैट। किताबें पढ़ते थे बहुत, और बहुत मेरा किताबों के साथ तो वो वाला था कि मैं सिर्फ पढ़ना नहीं, मुझे किताबें फिजिकली पोजेस करने का बहुत शौक था। लाइक मेरी लड़ाई बहन भाइयों से ही होती थी, मैं हर वक्त मुझे था कि मेरे बहन भाई दो लाइक छोटी की तबीयत मेरे जैसी है, मैं उसे ही ऑर्गेनाइज, लाइक मुझे था अच्छा अलमारी में से एक खाना मुझे दे दो बट डोंट मेस विद इट नाउ। लाइक अम्मी का होता था, मुझे याद है इट्स अ वेरी फनी वाक्य, मेरी बहन ने पिछले दिनों मुझे याद करवाया, आई थॉट व्हाट एन एक्सेंट्रिक चाइल्ड आई मस्ट बी। तो जी सेड कि सर्दियों में ना वी हैड दिस लाइक बड़ी फैमिली थी, तो हर चीज़ बड़े साइज़ में आती थी, कोल्ड क्रीम भी जो है वो निविया की एक बड़ी सी बॉटल आती थी। आई वाज लाइक एवरीबडी पुट्स देयर फिंगर इन इट, हाउ अबाउट यू स्कूप सम आउट फॉर मी इन अ स्मॉल बॉटल, एंड आई मैनेज टू लाइक स्कूप सम आउट इन सम एम्प्टी बॉटल किसी चीज़ क्या मेरी, मुझे होता था कि मेरी चीज़ अलहदा ज़रा मेरे तरीके से। सो किताबें मैं अपनी एक ही तरफ में कपड़े होते थे उसी में मैं किताबें भी रखता था, एंड आई यूज्ड टू लव द आइडिया, एंड आई लव पोजेसिंग बुक्स, लाइक ओनिंग बुक्स।